यहाँ सब तो ठीक है। अच्छा लाइपोमा की क्या कंडीशन है अभी? अभी तो सर पहले तो सर बहुत सही है, अभी आराम है बहुत, मतलब काफी अच्छा फील हो गया सर। अच्छा, तो अभी जैसे कर पा रहे हो डाइट वगैरह कि नहीं कर पा रहे हो? सर डाइट वगैरह तो करता हूँ जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी काम है सर, काम करना पड़ता है, लेट लपेट तो अपने सर गड़बड़ हो ही जाता है थोड़ा बहुत, 100% अच्छा, नहीं हो रहा पर हो रहा है सर, जितना होगा सर उतना, जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ सर। तो कोई कमजोरी वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं सर कमजोरी कोई नहीं है। क्योंकि वजन काफी कम हुआ है पहले से। जी सर कितना कम हुआ है वजन? वजन तो सर मेरा जब दवाई स्टार्ट किया था उसके पहले तो मेरा 78 था, अभी 52-54 ऐसे रहता है, 52-54 के बीच अरे में। बाप रे, तो 50 74 से 54, 78 था सर, 78 जी सर। 78 था, मतलब 20 किलो से ऊपर ही आपका वजन कम हुआ है। उस समय वजन बढ़ भी गया था काफी आपका। बहुत बढ़ गया था सर, आपको बता दो ना वो ट्रीटमेंट मिला चला था, पैर टूट गया था तो उसकी वजह हाँ, से पैर बहुत फ्रैक्चर हो ज्यादा गया आराम था। है। हाँ, अभी पैर ठीक है आपका? रनिंग अच्छा, रनिंग कर पाते हैं आप? सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर रनिंग में। अब हाँ ठीक है पैर आपका? तो ठीक है, डाइट अच्छा, तो अभी डाइट वगैरह कैसी चल रही है? तो सर नॉर्मल वही सुबह में खा लेता हूँ, फल लेते हो या सुबह? फिर कभी कभी नारियल पानी दे लेता हूँ, या फिर कभी कभी जूस ले लेता हूँ मौसम्बी का, अच्छा, और दोपहर को फिर वही 3 रोटी सब्जी जो घर पर बना देते हैं, हाँ और शाम को भी ककड़ी वगैरह अगर टाइम से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रोटी वगैरह खा लेते हैं। अच्छा, मतलब डाइट आपकी नॉर्मल चल रही है? अगर बहुत लेट होता है 10-11 बजे का ऐसा लग रहा है 10-11 बज जाएगा तो फिर ककड़ी वगैरह खीरा वगैरह खा लेते हैं, अगर 9-8-9 के बीच में रहा तो फिर रोटी वगैरह खा लेते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ हैं आप? अभी तो सर मैं मुंबई में हूँ इस टाइम पे। अच्छा, मुंबई में हैं। ओके ओके, तो क्या बोलते हैं, अकेले रहते हो कि फैमिली के साथ रहते हो? अच्छा, नहीं नहीं सर फैमिली नहीं है, फ्रेंड लोग जो साथ में काम करते हैं उनके साथ ही लोग रहते क्या हैं सर। करते हैं आप? एसी का काम करते हैं सर, अच्छा एयर कंडीशन एसी। में। अच्छा, एसी का करते हैं। चलिए, अच्छा है, जी मतलब सर आप अकेले रहते हो, कर लेते हो, डाइट वगैरह भी फॉलो कर लेते हो। लेते सर, अब फायदा हो रहा तो सर करना ही पड़ेगा हाँ, नहीं ना, अभी तो जिसके बहुत पीछे अच्छा परिवार रिजल्ट चल है रहा आपका, है। काफी ठीक हो गया, बहुत ज्यादा था पहले, अब काफी अच्छा हो गया है। हाँ सर पहले तो उम्मीद नहीं थी सर, बहुत पुराना हो गया था एकदम, हाँ, मतलब समझ ही नहीं होने डरावना लगी थी डरावना कहाँ टाइप का हो गया था, कैसे शरीर भी क्या है। बहुत वैसा हो गया था, और बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा, मतलब डरावना टाइप का हो गया था, बहुत बड़ा बड़ा था। हाँ सर तो माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था गांठ, इसके लिए लगता है ब्लड प्रेशर का भी हाई होता था बहुत, तो फिर मैं घबरा गया, फिर मैं आप बोला एक बार और ले लेता हूँ दवा, पहले मैं स्टार्ट किया था लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया था ना फिर मैं छोड़ दिया था, आप बोले ना दूसरा दवा चल रहा है तो अभी दवा ना लो। हाँ, तो चलो अच्छा है कि कम से कम मेहनत किए। अच्छा, नहीं तो और लोग तो पतला होने के कारण ही छोड़ देते हैं। आप 20-25 किलो वजन कम करना आसान बात नहीं होती, और काम काजी आदमी हो, अकेले रहते हो, काम करते हो, फिर ये डाइट वगैरह भी फॉलो करते हो, दवाई भी कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा है, बढ़िया जी है। अच्छा, मैं तो आपको बुलाया भी हूँ कई बार कि बिलासपुर हो जाओ। आएंगे सर, अभी तक कुछ टाइम नहीं लग रहा, आएंगे सर पक्का आएंगे, पर चलो चलो, ठीक आप है। ठीक है हाँ हो जाए तो फिर आऊँ। हाँ नहीं, आइए, बिल्कुल आइए। आपको इसलिए तो बुलाया कि भाई हम ऐसा तो होता है सर जो जैसे मेहनत आप अच्छे से कर जो अच्छे मतलब से अच्छे से मेहनत करता है, हम उसको बोलते हैं कि आइए, आप मिल जाइए हमसे। आपके साथ वीडियो अभी हम बना रहे हैं, हम आपके साथ बैठ के वीडियो बनाना चाहते हैं। जी सर नहीं आएंगे सर बिल्कुल आएंगे, और मैं भी कई बार बोला आपको पर सर समय नहीं मिला, जब अपनी किस्मत में लिखा रहेगा मिलना तो हम जरूर आएंगे सर, ऐसा नहीं हाँ कि दवा नहीं, लेने वो तो ठीक हो है, जाता अब है आप आपका। अकेले रहते हो, काम करते हो, तो मुश्किल होता है। तो आप मैरिज हो गया है आपका ना? हाँ सर हो गया सर 10 साल होने पर, अरे वाह, क्या बात है। तो आपकी एज अभी कितनी है? ये लगभग 34 के लगभग है सर। अच्छा, तो शादी जल्दी हो गया था आपका, 24 में हो गया था। हाँ सर अच्छा, और आपका घर कहाँ पर है? सर तो मेरा है सर ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश अच्छा, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में। जिला, घर ओके ओके, तो घर जाना हो पाता है? जाना हो पाता सर 10 महीने में या फिर साल भर में एक बार हो जाता है। अच्छा, तो परहेज करते हो ना डाइट में अच्छी तरह से? परहेज तो सर बहुत कर रहा हूँ मैं। मतलब जो जो परहेज बताया हो वो सब फॉलो करते हो अच्छे से? जी सर चलो चलो, अच्छा है। और रनिंग पर डे होती है कि नहीं हो पाती है? रनिंग सर अभी तो फिलहाल 2-3 महीने तक नहीं हो पा रही है, वरना मैं पर डे ही करता था 10-10 किलोमीटर में रनिंग करता रहा था, अच्छा था।
लेकिन वो बीच में वहां में बाहर गया था पंजाब में, अपना एरिया था नहीं, तो वहाँ सुबह सुबह जाते थे तो कुछ लोग छेड़खानी करते थे, मोबाइल वगैरह छीनते थे, इसके लिए मैंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर तो फिर अभी अभी क्या कर रहे हो? अभी तो सर डाइट है, या फिर अभी मुंबई आया हूँ तो सुबह थोड़ा मॉर्निंग में जाता हूँ, जॉग वॉकिंग वगैरह कर वॉकिंग लेता हूँ। करते हो, हाँ योगा वगैरह करते हो? योगा तो सर नहीं कर पाते, रनिंग भी था, लेकिन अभी डाइट को ही सर फिलहाल डाइट ही कंट्रोल किया हूँ, बाकी तो अभी हाँ नहीं हो पा रहा है एक हाँ दो चलो महीने से। अच्छा है। पनीर और ये पनीर वगैरह खाते हो? हाँ वगैरह सर खा लेते हैं हफ्ते में या हाँ फिर 10 दिन में। नहीं, आप खा सकते हैं, आपका वजन काफी कम हो गया, तो आप थोड़ा सा पनीर वगैरह सोयाबीन वगैरह आप लिया करो। रेगुलर नहीं लेना है, लेकिन छोला भी तो दस सर, दिन में हफ्ते में एक बार ले सकते हो। सोयाबीन क्या बोल रहे हैं? का सब्जी कभी कभार हो जाता है हफ्ते में 10 दिन में, हाँ, लेते उसको रहते उसको लीजिए, कभी कभी मीठा भी खाइए, हैं। ठीक है ना? और अभी कितना परसेंट आपको लग रहा है कि कितना परसेंट फायदा हो गया है? सर अभी परसेंट वाइज बात से मैं आपको क्या बताऊं, पर ये है कि बहुत मतलब मुझे एकदम नॉर्मल लगने लगा, पहले बहुत ज्यादा था, दिमाग भी डिस्टर्ब रहता था, कुछ समझ नहीं आता था, अजीब था, भद्दा लगता था। हाँ, अभी पहले लेकिन तो अभी बहुत थोड़ा ज्यादा शरीर भी महसूस बहुत मोटा हो करेगा। गया था, लाइफ बहुत बड़े बड़े हो गए थे, बहुत अजीब होता। अभी 50% तो लग रहा होगा, 50% हुआ है फायदा। सर अभी पेट वेट का देखे तो दिखता ही नहीं है जितना हाँ, ज्यादा, पेट का तो हाथ डाउन हो बाकी गया हाथ पूरा, पेट का का तो ये समझ लो 70% ही फायदा हो गया है। है, और बाकी हाथ का है तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट लो, पर जो बहुत बड़ा हो गया तो उसका ये बाकी तो सर नॉर्मल ही लग रहा है सर। हाँ, पहले से तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा सा और समय लगेगा, और आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको बोल भी रहा था कि बढ़िया करिएगा। और क्या बोलते हैं, बाकी और भी लोगों का कुछ कुछ ट्रीटमेंट भी तो करवाए थे आप ना? हाँ सर वो बाल झड़ रहे थे मेरे दोस्त के तो दवा वा दिलाया था हाँ, अभी कर रहे हैं वो? सर, उनका भी रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर बीच में वो बीमार हो गए थे तो उसकी वजह से फिर दवा लिए, अंग्रेजी हाँ दवा दी, तो आप बोले थोड़ा मेरा दवा रहा तो इसके लिए फिर वो रोक हाँ दिए। नहीं, बाल का उनका बोलना उनसे कि रेगुलर करो तो पूरे नए बाल भी आ जाएंगे, क्योंकि बाल का ट्रीटमेंट तो अच्छा है, लेकिन बालों के लिए समय लगता है, 8 महीने तो करना पड़ता है बालों का ट्रीटमेंट। चलो सही है, चलो बढ़िया है, अच्छे से करो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बताया करो, डाइट को फॉलो करो, वॉकिंग कर लिया करो पर डे, और योगा करने की कोशिश करना। अगर रनिंग करोगे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रनिंग नहीं हो पा रही तो योगा पर करिए फिर आप। नहीं, रनिंग तो मेरा हो जाता था, पर बीच में थोड़ा मैं छोड़ दिया था, पर रनिंग मेरा होता है। अभी यहाँ रहेंगे मुंबई में, अपने लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं रहता है, अभी बाहर कहीं हाँ जाएंगे मालूम नहीं कौन सा एरिया कैसा है, इसके लिए थोड़ा। हाँ चलो अच्छा है, ठीक है, कोशिश करो, वॉकिंग वॉकिंग करो, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है तो। और कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नहीं सर दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही पैर तो मेरा जाम हो गया था, आपको बताया था सर कि मैं चलता हूँ, पैर दुखता है, लेकिन अभी जब से रनिंग करा उससे सर एकदम पैर ही एकदम मजबूत हो गया, और कोई दिक्कत है नहीं सर उससे। हाँ, जो हाँ फ्रैक्चर हुआ था जो वाला पैर, वो पैर ठीक है अब? सर वो पैर ठीक है, वही बोला ना सर, वो पैर मैं कर रहा था बेड में था 6 महीना, हाँ तो मुझे हाँ डर लगता था, फिर मैं पूरा पैर टूट गया है तो अभी कुछ टाइम लगेगा, फिर मैं रनिंग भी नहीं हाँ करता था, वो लेकिन अभी रनिंग आपकी भी आपकी करता नस हूँ। खुल गई सारी, आपने रनिंग की, दवा खाई तो नसें जो जाम हो गई थी, नसें सब खुल गई हैं आपकी, हाँ जो भी सर नर्व दबे हुए थे वो सब खुल गए हैं आपके, तो वो आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा, मैं आपकी दवा दे रहा हूँ, रनिंग के लिए बोली थी, सुझा दी थी रनिंग करना, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा ठीक होगा, नहीं तो मेरा पैर की जर्द की वजह से मैं दौड़ता भी नहीं, फिर आप बोले कि रनिंग करना हल्का भी करो, तो फिर मुझे धीरे धीरे अभ्यास हो गया, मुझे कुछ लगता ही नहीं कि टूटा था कि नहीं टूटा था, फिर एकदम फ्लैट हाँ, चलो आपको अच्छा है, लगता चलो अच्छा, होगा। नहीं, अच्छा, मतलब आपका पैर मजबूत हो गया है अब। हाँ चलो अच्छा है, बीच बीच में आप पनीर खा लिया करो, कम से कम 15 दिन में एक दो बार तो पनीर खाओ, ताकि थोड़ा सा शरीर में मजबूती रहे और वेट एकदम से कम भी ना हो आपका। तो आप लो स्वीट स्वीट भी खा लिया करो, मिठाई वगैरह खा लिया करो बीच बीच में, ठीक है ना? चलो अच्छा है, अपडेट देते रहना, बढ़िया रेगुलर करो अच्छे से, और बढ़िया बिलासपुर की प्लानिंग बनाओ, कभी आने का मन हो तो आ जाइएगा। बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे, थोड़ा टाइम मिले सर, कल छुट्टी नहीं मिलती है, जब कभी छुट्टी मिलता है 8-10 महीने में 7 दिन में तो गांव चले जाते हैं हाँ किसी फैमिली हाँ के बात साथ सही है, है। बात सही है, तो आप घर घर जाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता होगा आपको फिर। चलो अच्छा है, ठीक है, फिर करते हैं बात, फिर अपन। ठीक है सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद।